हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम जयदी रॉक कपल। तो चलिए इस बार आपको ले चलते हैं सेलिब्रेशन ऑफ ग्रैंड मैसूर दशहरा लाइटिंग। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैसूर की गलियों से, एंड आप भी देखिए। पैलेस के अलावा पूरा मैसूर शहर भी लाइट से सजा होता है। सयाजी राव रोड, KR सर्कल और चामुंडेश्वरी टेम्पल के आसपास की जगह को खूबसूरती से डेकोरेट किया जाता है। एंड आप देखिए कैसे ये बेंगलोर पैलेस का नज़ारा लाइट में कितना ही खूबसूरत लग रहा है। लाइट की थीम हर साल अलग होती है, जो कर्नाटका की कल्चर, हेरिटेज और फेस्टिवल को रिफ्लेक्ट करता है। ये लाइट सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, बल्कि विजयदशमी के समय एविल पर गॉड की जीत का प्रतीक भी होता है। उत्सव के दौरान पूरे मैसूर की रोशनी से घिरा होने से इस बात को दर्शाता है कि अंधेरा मिटाकर रोशनी का प्रवेश हो रहा है। ये देखिए कैसे पूरा बेंगलोर सजाया गया है, कैसे ये देखिए कैसी लाइट जगमगा रही है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। आपको लाइफ टाइम में एक बार ज़रूर जाके मैसूर दशहरा को एंजॉय करना चाहिए, वहाँ की लाइट्स को देखना चाहिए। इट्स अ बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द कर्नाटका। सो आप अगर कभी भी कर्नाटका आ रहे हैं तो दशहरा टाइम पे आइए, एंड बुकिंग एंड ऑल एडवांस में ही कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर फिर होटल एंड ऑल नहीं मिलता है, सब कुछ फुल हो जाता है। दशहरा के 10 दिनों में कोई भी रात को पैलेस और शहर की लाइट देख सकता है, लेकिन विजयदशमी दशहरा का अंतिम दिन जो होता है, लाइट्स का डिस्प्ले सबसे स्पेशल होता है। जब हाथी की शोभा यात्रा निकलती है और रात को क्लाइमैक्स होता है, इट्स लुक्स सो ब्यूटीफुल। एंड ये लाइट सिर्फ रोशनी नहीं है, ये मैसूर की विरासत, संस्कृति और विजयदशमी की कहानियाँ बताती हैं। दशहरा के दौरान जब रात होती है और पैलेस जगमगाता है, तब लगता है कि एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। तो आप भी मेरे साथ जुड़िए एंड एंजॉय कीजिए यहाँ जिस फर्स्ट टाइम हो रहा है मैसूर में ड्रोन शो, लाइट का ड्रोन शो। तो आप भी देखिए हमारे इस वीडियो के जरिए। आई लव मैसूर।